पूरे देश में है। मोदी जी के नेतृत्व में अटल और अचल विश्वास, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और सच तो यह कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर है, इसलिए राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार करेगी, 370 बीजेपी, एनडीए 400 पार, और अब तक के इतिहास की न्यूनतम सीटें कांग्रेस को प्राप्त होगी। कांग्रेस अपने फैसलों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से आज हाशिए पर खड़ी है, और परिणाम अपने आप में स्पष्ट है। ना नेता, ना नियत, ना नेतृत्व। एक तरफ नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो बनने के पहले तार तार हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन परिणाम स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत सफलता प्राप्त करेगी, और सबसे ज्यादा बहुमत से मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत के मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, बीजेपी ने 29 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी 8-10 सीटों पे उम्मीदवार। अब जिसको कहती है वो इधर उधर हो जाता है, उनको पता है परिणाम क्या होने वाला है, इसलिए बड़े नेता कतरा रहे हैं कि हमको तो लड़ना नहीं है।